मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। पैनिक डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर का इलाज भगवत गीता से। तो हमारे साथ चारू जी हैं द्वारका से, तो अभी गीता थेरेपी के द्वारा इनका पैनिक डिसऑर्डर दूर कर रहे हैं। तो चारू जी, आपने अपने सिम्टम बताए, अब उसका इलाज क्या है वो अब आप गीता थेरेपी फॉर्मूले से समझेंगे। तो पैनिक डिसऑर्डर ओसीडी की तरह ही एक डिसऑर्डर है, ये एंजाइटी ग्रुप का एक डिसऑर्डर है जिसमें लगता रहता है कि हार्ट अटैक होगा, मैं मर जाऊंगा, या एकदम से सांसें तेज होने लग जाती है, गला घुटने सा लग जाता है, चक्कर से आने लग जाते हैं, आदमी खड़ा नहीं रह पाता है, बैठ सा जाता है और अकेला कई बार नहीं जाता है, उसे लगने लग जाता है कहीं अकेले में आ गया तो वो दूसरों की मौजूदगी में रहना पसंद करता है। इसके अलावा और भी कई सिम्टम हैं, मैंने जर्नल से बता दिए हैं, तो आपके साथ इनमें से ये सारे सिम्टम हैं या इसके अलावा भी एक आधा अलग है? सर, ओवरथिंकिंग बहुत ज्यादा है। हाँ, मन में विचार ज्यादा घूमने लग जाते हैं, ओवरथिंकिंग, इनको मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। हाँ, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये फॉर्मूला समझ लीजिएगा, उससे सारी चीजें कंट्रोल हो जाएंगी, इस फॉर्मूले में थेरेपी भी आ जाएंगी, सब कुछ आ जाएगा। तो सबसे पहले गीता थेरेपी फॉर पैनिक डिसऑर्डर, ये पैनिक डिसऑर्डर के लिए फार्मूला मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहले आपने ए लिखना होता है, फिर बी, फिर सी और फिर डी, ये है ABCD फार्मूला। ए में आएगा ट्रिगर, क्या आएगा? ट्रिगर, ट्रिगर। और बी में आएगा जो आपको लगने लग जाता है, जो एकदम से विचार आता है, विचार आएगा, लगना, या आपको लगता क्या है, लगना। और सी में आएगा जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? डर, ठीक है, डर, जो अनुमानित या संभावित है, या संभावित कह सकते हैं, संभावित डर, ये फार्मूला है, ठीक है। तो अब आप देखिए ट्रिगर क्या है, ये पैनिक अटैक कब आता है, जब आप, कब आता है, कौन सी सिचुएशन में ज्यादा आता है? जब ओवरथिंकिंग ज्यादा बढ़ जाती है। ये घर में भी हो सकता है या बाहर ज्यादा? कहीं पे भी। अच्छा, कहीं पे भी। तो ज्यादातर लोगों के साथ जैसे अकेले में होता है। अकेले में होता है, अंधेरे में ज्यादा होता है। तो अकेले में, अकेला, अंधेरा, एक ही बात है, भी अकेले से समझ गए तो अंधेरे में भी समझ जाओगे, फॉर्मेट सेम ही रहेगा। चलो, अकेला, अकेला होना, ठीक है, ये सिचुएशन है, अर्थात ये एक ट्रिगर है। जैसे ही आप अकेले होंगे मन में विचार चलने लग जाएंगे, ओवरथिंकिंग स्टार्ट हो जाएगी। विचार क्या आएगा, कि कुछ हो जाएगा या क्या हो जाएगा, क्या विचार मन में क्या आते हैं? जैसे आप अकेले हुए, क्या ओवरथिंकिंग चलती है? ओवरथिंकिंग कुछ नहीं सर, बस ओवरथिंकिंग, इधर उधर की बातचीत चलती रहती है दिमाग। हाँ, दिमाग में चलती रहती है। तो जैसे एक उदाहरण से, जैसे आप जा रहे हो, कोई मतलब कुछ, मतलब वैसी भी आ जाती है कई बार तो। हाँ हाँ, जैसे कोई बात हो जाए छोटी मोटी, वो भी दिमाग में, फिर वो निकल भी नहीं पाती है। हाँ हाँ, दिमाग से निकल नहीं पाती है। हाँ, कोई ना कोई विचार घूमता है। हाँ, सबके मन में अलग अलग विचार घूमता है, ऐसा कोई भी विचार हो सकता है, जो विचार बार बार घूमना। हाँ, एक विचार बार बार घूमेगा। हाँ, एक भी होता है, मतलब दिमाग शांत नहीं रहता। हाँ, अशांत सा होता है, ठीक है। तो उस समय कोई विचार फंसता है, उस विचार के कारण फिर वो घबराहट सी पैदा होगी, चिंता सी पैदा होगी, बेचैनी सी पैदा होगी, और फिर दर्द सा महसूस होगा, खिंचाव सा। हाँ, खिंचाव सा महसूस होगा और लगेगा कि हार्ट अटैक हो जाएगा। संभावित डर क्या आएगा? हार्ट अटैक हो जाएगा, अटैक हो जाएगा, हुआ नहीं है, हो जाएगा। अच्छा, ये मरने वाला विचार आता है बार बार, मतलब आत्महत्या का?
नहीं मरना वैसे कि कहीं मैं मर ना जाऊं। हाँ ये तो यही था। हाँ ये ओवरथिंकिंग के साथ ही होता है कहीं यार मर ना जाए। हाँ हाँ ये यही होता है कि भाई हार्ट अटैक आ जाएगा तो मर जाऊंगा। हाँ मर जाऊंगा, हार्ट अटैक हो जाएगा मैं मर जाऊंगा। ठीक है ये होता है आपके साथ, ये खतरा महसूस होता है कि कहीं मैं मर ना जाऊं। हाँ। मैं मर जाऊंगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। हाँ। ये भी आता है। ये है आपके डर, संभावित डर ये है जो रियल में है नहीं लेकिन आपको लगते हैं कि ऐसा हो जाएगा, हुआ नहीं है लेकिन फ्यूचर में हो सकता है। कुछ मतलब जो गलतियां पहले हुई है समझी में या ना समझी में उनका भी गिल्ट होता है सर। जैसे जैसे कि भाई मतलब जैसे हम पहले चार भाई थे। हाँ। अब उनमें से मैं ही बच रहा हूँ। हाँ। एक तीन हमारे गुजर गए। हाँ। लेकिन एक तो मैं किसी की भी मदद नहीं कर पाया किसी भी तरीके से किसी भी एंगल से। और मतलब एक बार हमारा झगड़ा भी हो गया था थोड़ा सा, उसमें थोड़ा सा मेरे को उस चीज का मेरे को गिल्ट इतना तगड़ा है कि मैं मतलब मर के भी उस चीज का तो पश्चाताप नहीं कर सकता। जैसे मतलब अपने बड़े भाइयों के साथ में झगड़ा हो गया था उस टाइम। कोई बात नहीं, वो गिल्ट है ना, ये गिल्ट आपको बहुत ज्यादा अपराधी महसूस करवाएंगे। बहुत तगड़ा। हाँ। कि यार अपने बड़े भाइयों से कैसे झगड़ा कर लिया मैं। जैसे मजबूरी में हुआ सर। कोई बात नहीं, आप उस घटना को पूरा बता दें क्योंकि जब बताओगे तो खाली होगे। वो हो सकता है कि आपकी गलती ना हो। गलती तो नहीं थी मेरी वैसे। हाँ कोई नहीं, आप पूरी घटना वो बताओ कैसे क्या हुआ। उसमें बस थोड़ा यही था कि भाई उस टाइम मेरी क्या नई नई शादी हुई थी जी, तो मतलब जो मेरे बड़े भाई थे ना दो, उनके हाँ। तो बहुत पहले हो गई थी। कैसे उनके भी बताओ भी, उनकी कैसे हुई एक एक शादी। हाँ डेथ की बात कर रहे हो। शादी डेथ मतलब मैं तो शादी की जो भी पूरा बताना पूरा डिटेल से बताते जाओ। तो उनके क्या है सर कि मतलब भाई शादी तो उनकी बहुत पहले हो गई थी सर 92 में, उस टाइम तो बहुत छोटे छोटे थे। ओके तो उनके तो खैर लाइफ में चलो सुख था तो या दुख था वो तो एक अलग चीज है, लेकिन मैं मतलब उनकी कभी कोई मतलब हेल्प भी नहीं कर पाया सर। मतलब मैं अपनी जिंदगी में इतना उलझा हुआ था कि मेरे को मेरा ही नहीं चल पा रहा था उस टाइम काम, तो मैं उनकी मदद इस वजह से भी नहीं कर पाया। और दूसरा ये कि मतलब हमारी सही नई नई शादी हुई ना, दो भाइयों के अलग हुई हमारी। अच्छा। तो उनसे मतलब थोड़ा सा ऐसी हो गई थी, मेरे घरवाली के क्या है जेवर वगैरह मतलब खो गए या पता क्या हुआ था। हाँ। उस वजह से वो लफड़ा सा हो गया थोड़ा। हाँ। और मतलब क्या बताऊं सर मैं आपको, मैं थोड़ा सा ऐसा महसूस कर गया कि भाई मेरे घरवाली का मैंने साथ नहीं दिया तो साला मेरे साथ में बहुत उल्टा होगा। मतलब कुछ भी समझ लो, चाहे उस टाइम बच्चा बुद्धि समझ लो, चाहे कुछ भी समझ लो, लेकिन और इस वजह से वो झगड़ा हो गया एकदम अचानक से ही हुआ था झगड़ा भी। तो मतलब मेरा हाथ उठ गया बड़े भाइयों पे भी, भाई वो तो लड़ाई में तो वो तो होता ही खैर। हाँ हो जाता है, उनका भी उठ गया हमारा भी उठ गया, लेकिन मेरे को इस चीज का इतना तगड़ा गिल्ट है कि मतलब ये समझ लो कि मैंने भगवान पर हाथ उठा दिया, इतना तगड़ा मेरे को मतलब महसूस होता है। क्योंकि मतलब अगर अपने भगवान पे अपने गुरु का अगर अपने हाथ उठा दिया तो अपन खां जाके मतलब शकल दिखाएंगे, इतना तगड़ा मेरे को गिल्ट होता है आज भी इस चीज का। भाई पे हाथ उठाया उस चीज का बहुत पछतावा है। उसके बाद मैंने कभी जिंदगी में झगड़ा नहीं किया उस झगड़े के बाद उनसे, कभी मैंने मतलब उनसे नजर उठाकर बात भी नहीं करी मैंने ढंग से, इतना मतलब मेरे को पछतावा हुआ उस चीज का। और उसके बाद लेकिन फिर वो बेचारे कुछ बीमारियों से बीमारी वगैरह हो गई तो वो गुजर गए तीनों ही बीमारी, मतलब उसके बाद ही नहीं गुजरे वो तो काफी साल पहले की बात है, मेरी शादी हुई कम से कम 14 साल चल रही है। हाँ। तो 14 साल पहले की बात बताऊंगा, वो तो गुजरे तो अभी है 2-3 साल पहले। अच्छा। वो तो सब कुछ नॉर्मल ही हो गया था हमारे बीच में। हाँ। वैसे तो लेकिन मतलब वो जो मेरा गिल्ट है अंदर से वो मेरा मतलब मेरे को लगता है कि यार मैं थोड़ी समझ से काम ले रहा था, मेरे को जिन भाइयों को अपने को मतलब पलकों पे बिठाना चाहिए और अपन ने यार उनको हाथ छोड़ दिया, उनका जीवन में ये भी नहीं देखा अपन ने कि मतलब वो मैं समझ रहा हूँ आपके दुख को।
को बहुत दुख हो। लगता है मैं बहुत पापी हूं, भगवान मुझे माफ नहीं करेंगे। भगवान का डर नहीं सर मेरे को, मेरे को मतलब मेरे भाइयों की वजह से, मतलब मेरे क्या हाथ उठा दिए उनके ऊपर। लेकिन आपने तो हाथ उठाया ही नहीं था, वो तो उस समय आप थे ही नहीं ना, वो तो अहंकार था जिसने हाथ उठाया। वो तो आपके अंदर बुद्धि की कमी थी तब उठाना, वो तो अज्ञानता थी ना। आप कहां थे उस समय, आप तो थे ही नहीं ना। आपने वो किया नहीं, आपसे करवा लिया गया, अज्ञानता ने अहंकार ने वो करवाया ना, तो उसके लिए आप दोषी थोड़ी नहीं हुए। चारू आप दोषी हो या अज्ञानता या जो अहंकार था वो दोषी है? पता नहीं सर, समय की गलती है कि मेरी गलती है? वो तो समय ही ऐसा था ना कि उस समय आप तो सब कुछ भूल ही गए थे। वो जानबूझ के नहीं किया गया, वो समय संयोग बस हो गया। आप थोड़ी ना करने वाले थे, आप अपने भाई पर हाथ उठा ही नहीं सकते, उस समय आप थे ही नहीं, आपके अंदर तो कुछ और ही था। तो उसकी सजा आपको क्यों मिले? जो गलती आपने की नहीं, उसकी गलती आप, उसकी सजा आपको लेनी चाहिए? दिल से पछतावा हो जाता है तो वो गुनाह माफ हो जाता है ना, आंसुओं के द्वारा वो सारी गलतियां माफ हो गई। आप इतने अच्छे इंसान हैं कि ऐसा कर ही नहीं सकते, वो कोई हो गया, बस हो गया, वो आपने पछतावा किया तो वो चला गया ना, वो निकल मतलब चुका। ये भी तो है ना बात सर कि मैं मतलब उनके लिए कुछ कर ही नहीं पाया, वो मेरे सामने मतलब बीमार हो गए, मर गए। लेकिन आपने जितना हो सका उतना तो किया ना? नहीं कर पाया ऐसा कुछ भी नहीं कर। क्या करना चाहते थे आप ये बताओ? मैं सर उनको बेटर लाइफ देना चाहता था। उनको बेटर लाइफ देना चाहते थे लेकिन आपने बेटर लाइफ भी, और जो मेरे से मतलब गलती हो गई थी ना ये, मतलब उसको मैं इतने जड़ से खत्म कर देता अगर, मगर मैं खुद ही उस टाइम बीमार था सर। ये अभी मतलब ये जो मेरी मानसिक रोग चल रहा है ना, इसकी वजह से मैं, वो मेरे सामने बीमार थे लेकिन फिर भी मैं कुछ, मैं खुद ही परेशान था बहुत ज्यादा। इस मानसिक बीमारी ने बेटर लाइफ नहीं देनी दी ना, तो गलती तो इस मानसिक बीमारी की है ना। तो आज से एक प्रण ले लो, संकल्प ले लो, इस मानसिक समस्या ने मेरे भाइयों के साथ न्याय नहीं होने दिया। तो अब इस मानसिक रोग को हटा के हो सकता है ऐसे लाखों लोगों की आप मदद कर दो जिनके अंदर आपको भाई नजर आ जाए। आपके भाई ये कह रहे हैं कि चलो हमारी मदद नहीं हो पाई, कोई बात नहीं, लेकिन किसी और इंसान की मदद कर दो तो वो सारा माफ हो जाएगा ना। लेकिन इसके लिए आपको इस मानसिक रोग को पहले हटाना होगा, ये आपके रास्ते की दीवार ना बनने पाए, इस दीवार को ही तोड़ना होगा पहले, फिर तो सब कुछ हो जाएगा। किसी और की मदद कर दी, मान लो आपने 100 लोगों की मदद कर दी जो परेशान हैं, तो भाइयों की आत्मा आपको आशीष देगी ना, खुशी मिलेगी ना आपको, तो फिर तो हो गया, जैसे हिसाब किताब बराबर हो गया। तो अब भाइयों का जो दुख है या गिल्ट है उससे उबरने का एक ही तरीका है, क्या है कि किसी और भाई की मदद कर दो। क्या समझे? अगर मेरे मतलब थोड़ा ठीक होता ना मैं सर, तो मैं उस टाइम तो खैर मेरे में सच में बच्चा बुद्धि थी मेरे अंदर वास्ता। उस टाइम मेरी 22-23 साल की एज थी जब मेरी शादी हुई थी। बिल्कुल। तो मेरे को मतलब इतनी समझ नहीं थी शायद बिल्कुल भी कि भाई मतलब ये भी अपनी लाइफ में दुखी है मेरे को अब। लेकिन जब मैं अब मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब मैच्योरिटी आई ना जब से, उसके बाद मेरे को दिखाई दी दुनियादारी क्या है,
बिल्कुल। तब मेरे को समझ में आने लगा यार मेरे भाइयों के साथ मतलब वो बेचारे मेहनत मजदूरी करते हैं और यार मतलब उनकी लाइफ में एक तो वैसे ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। हाँ। और मैंने और क्रिएट कर दी। हाँ। लेकिन वो तो भूल ही गए थे, उन्होंने कभी वो कहा? तो भूल गए थे खैर। हाँ। वो तो हम उन्होंने तो माफ कर दिया था, वो तो हमको बहुत गड़े लगाए करते सर, बहुत प्यार करे करते बस, तो उन्होंने माफ कर दिया लेकिन आपके दिल में वो एक खटास रह गया ना। मेरे जब भी पहली बार मेरे ये अटैक हुआ था ना, तो मेरे भाई मेरे को लेके भागे थे हॉस्पिटल। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा, आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब, भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक फायदे अनेक, आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।